सुजानपुर टीरा में 35 फुट लंबे रावण का दहन मंगलवार शाम 7 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर बीते 15 दिनों से मेहरा विकास कमेटी द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कमेटी के प्रधान ने बताया कि रावण का पुतला 35 फुट लंबा बनाया गया है। वहीं अमृतसर से आए आतिशबाजियों के लिए स्पेशल 1 घंटे का प्रोग्राम भी किया जाएगा। जिसमें लोगों को पटाखों के साथ साथ राम रावण का युद्ध भी दर्शाया जाएगा और इस दशहरे के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल होंगे, जिसके लिए मेहरा विकास कमेटी लगातार कार्य में जुटी हुई है। उन्होंने इलाका वासियों से आह्वान किया कि वे भारी संख्या में आकर कार्यक्रम का आनंद अवश्य लें। शूलनी माता मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। माता में सच्ची आस्था रखने वाले भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर माता के आशीर्वाद ले रहे हैं। शूलनी माता सोलन शहर वासियों की कुल देवी भी है और उन्हीं की छत्रछाया में सोलन फल फूल रहा है। आज तक सोलन में कोई भी आपदा नहीं आई है। नवरात्रों में लोग दूर दूर से माँ के मंदिर में माथा टेकने पहुँच रहे हैं और मंगल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। नूरपुर के सुलियाली पंचायत के बस अड्डे में बना शौचालय बिना किसी विभाग की परमिशन के तोड़ दिया गया। शौचालय को तोड़ने के लिए किस विभाग द्वारा परमिशन दी गई थी, ये प्रश्न है। पूर्व प्रधान कृष्ण हरी ने बताया कि लगभग 10 वर्ष पूर्व लोगों की डिमांड पर इस शौचालय का निर्माण कराया गया था। उस समय मंत्री रहे स्वर्गीय सत महाजन ने इस शौचालय के लिए 25,000 रुपए दिए थे, लेकिन किन लोगों ने और क्यों इस शौचालय को गिराया गया, ये प्रश्न है। कुछ राजनीतिक लोगों का इस शौचालय को गिराने में हाथ है। अगर गिराना भी था तो क्या पहले पंचायत या लोक निर्माण विभाग से NOC लेनी जरूरी नहीं समझी गई? वहीं वार्ड सदस्य सुनील कुमार ने बताया कि उस शौचालय में बहुत गंदगी थी और ये शौचालय कभी भी इस्तेमाल करने लायक नहीं था। वार्ड सदस्य भी इस मामले में सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं और टाल मटोल कर रहे थे। पर सवाल ये है कि सरकार द्वारा निर्मित प्रॉपर्टी को कोई भी जब मर्जी से तोड़ सकता है और विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। किसी भी विभाग का कोई भी कर्मचारी जवाब देने को तैयार नहीं है कि आखिर ये शौचालय किसने और किसकी अनुमति से तोड़ा गया। देश में इन दिनों 2 से 9 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन प्राणी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सोलन में वन्य प्राणी विभाग चायल द्वारा शिली के वन में जिला स्तरीय राष्ट्रीय वन प्राणी सप्ताह के अंतर्गत सुबह सुबह पक्षी दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन के लगभग 70 छात्राओं सहित अध्यापकों ने भाग लिया। इन छात्रों को वन्य प्राणी विभाग चायल के वन खंड अधिकारी गणपत राम वर्मा, वन रक्षक विनोद कुमार और तुलसीराम भूपेंद्र सिंह सहित अन्य कर्मचारियों ने पक्षी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी मुहैया करवाई। विभाग द्वारा बच्चों को पक्षियों की विभिन्न प्रजाति और उनके प्राकृतिक आवास के साथ विलुप्त होती जा रही प्रजातियों के संरक्षण के बारे में भी जानकारी दी। वन प्राणी विभाग चायल के वन खंड अधिकारी गणपत राम वर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ सुंदर भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं, जिनके संरक्षण के लिए वन्य प्राणी और वन विभाग स्कूलों के विद्यार्थियों एवं लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। वर्मा ने बताया कि वन्य प्राणियों के संरक्षण और विलुप्त होती जा रही प्रजातियों को बचाने के लिए लोगों और विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा।
अपने ग्राहकों को ऋण योजनाओं की जानकारी देने के लिए अब सरकारी व निजी बैंक भी मैदान में उतर आए हैं। यूको बैंक की अध्यक्षता में बिलासपुर नगर परिषद ग्राउंड में 2 दिवसीय ग्राहक अनुमुख कार्यक्रम के तहत मेला लगाया गया, जिसमें बिलासपुर जिला में कार्यरत करीब 17 बैंकों ने हिस्सा लिया और इंस्टॉल लगाकर ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा से लेकर इंश्योरेंस और लोन से संबंधित जानकारी दी। वहीं बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने इस बैंक मेले का विधिवत शुभारंभ किया, तो साथ ही इस अवसर पर यूको बैंक कोलकाता के महाप्रबंधक संजय कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता यूको बैंक धर्मशाला के उप महाप्रबंधक सत्यपाल सिंह कलची ने की। राजेश्वर गोयल ने इस आयोजन के लिए जहां यूको बैंक को बधाई दी, तो वहीं आम जनता के लिए दी जा रही ऋण योजनाओं में पात्र लोगों का ध्यान रखने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने बैंकों से ये भी आग्रह किया कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को दिए जा रहे ऋण की धनराशि जल्द ही उन तक पहुँचाई जाए, ताकि पात्र लोगों को इसका फायदा मिल सके। गौरतलब है कि बैंक मेले के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा लोगों के बचत खाते खोलने, ऋण सुविधाएं प्रदान करने व आधार खाते को लिंक करवाने जैसी सुविधाएं एक ही मंच पर मुहैया करवाई गई। तो साथ ही उपायुक्त बिलासपुर द्वारा यूको बैंक के जरिए विभिन्न योजनाओं के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्थानीय ग्रामीणों को लोन राशि भी बतौर चेक आवंटित की गयी।